बार बार मोदी सरकार, अब हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। 5 साल में हिंदुस्तान विश्व की तीसरी महासत्ता बनेगा। पर क्या होगा उद्धव तेरा? अब हिंदुस्तान के बाहर कौन जाएगा, मोदी या ठाकरे? महाराष्ट्र की जनता ने भी पुनः एक बार नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया है। आज लोकसभा है, 4 महीने के बाद में विधानसभा और 8 महीने के बाद में मुंबई महापालिका। मोदी महाराष्ट्र में भी विजय की हैट्रिक करेंगे। बार बार मोदी सरकार, अब हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। 5 साल में हिंदुस्तान विश्व की तीसरी महासत्ता बनेगा। पर क्या होगा उद्धव तेरा? अब हिंदुस्तान के बाहर कौन जाएगा, मोदी या ठाकरे? महाराष्ट्र की जनता ने भी पुनः एक बार नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया है। आज लोकसभा है, 4 महीने के बाद में विधानसभा और 8 महीने के बाद में मुंबई महापालिका। मोदी महाराष्ट्र में भी विजय की हैट्रिक करेंगे। बार बार मोदी सरकार, अब हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। 5 साल में हिंदुस्तान विश्व की तीसरी महासत्ता बनेगा। पर क्या होगा उद्धव तेरा? अब हिंदुस्तान के बाहर कौन जाएगा, मोदी या ठाकरे? महाराष्ट्र की जनता ने भी पुनः एक बार नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया है। आज लोकसभा है, 4 महीने के बाद में विधानसभा और 8 महीने के बाद में मुंबई महापालिका। मोदी महाराष्ट्र में भी विजय की हैट्रिक करेंगे। बार बार मोदी सरकार, अब हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। 5 साल में हिंदुस्तान विश्व की तीसरी महासत्ता बनेगा। पर क्या होगा उद्धव तेरा? अब हिंदुस्तान के बाहर कौन जाएगा, मोदी या ठाकरे? महाराष्ट्र की जनता ने भी पुनः एक बार नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया है। आज लोकसभा है, 4 महीने के बाद में विधानसभा और 8 महीने के बाद में मुंबई महापालिका। मोदी महाराष्ट्र में भी विजय की हैट्रिक करेंगे। बार बार मोदी सरकार, अब हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। 5 साल में हिंदुस्तान विश्व की तीसरी महासत्ता बनेगा। पर क्या होगा उद्धव तेरा? अब हिंदुस्तान के बाहर कौन जाएगा, मोदी या ठाकरे? महाराष्ट्र की जनता ने भी पुनः एक बार नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया है। आज लोकसभा है, 4 महीने के बाद में विधानसभा और 8 महीने के बाद में मुंबई महापालिका। मोदी महाराष्ट्र में भी विजय की हैट्रिक करेंगे।